आज यू नो जाना बड़ा सब हैपनिंग फुल ऑफ कलर्स लग रहा है, यू नो प्रिंस भी साथ में है। हाँ एक्चुअली आज 15 नवंबर हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे है और एक्साइटमेंट हमारा एक्चुअली 3-4 दिन पहले से था कि हम लोग आफ्टर 3 इयर्स वी आर लाइक डेटिंग ईच अदर। हम लोग पहली बार जो ऑफ स्क्रीन कपल है वो पहली बार ऑन स्क्रीन हम लोग काम करने जा रहे थे, तो वो एक्साइटमेंट डेफिनेटली था। और आज सुबह जब हम एक दूसरे के साथ काम करते तो एक अलग लेवल का फील था, मज़ा आ रहा था। और यस, और उससे भी ग्रेट चीज़ ये है कि हम लोगों का होम प्रोडक्शन है एजी फिल्म्स और कंठा एंटरटेनमेंट, यानी कि करण और मेरा होम प्रोडक्शन मिलके पहली बार साथ में कुछ कर रहा है, तो जो एक्साइटमेंट है वो दुगना है। और उससे बड़ा ये हिंदी एल्बम हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स फीलिंग है, मिक्स खुशी है, हर चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी टूडे कि फाइनली हमने कुछ नया अचीव किया और स्टार्ट किया। ओके ना, आपकी बात करूँ, मैं करण की बात करूँ, आप हमेशा खबरों में रहते हैं किसी ना किसी वजह से, अच्छी बुरी। जब आपने ये पूरा प्रोडक्शन हाउस चालू किया, किसका आइडिया था, करण का आइडिया था या अनारा का आइडिया? अरे करण का प्रोडक्शन हाउस तो बहुत पहले से है, वो बहुत मैंने स्टार्ट करना था, आई वॉन्ट टू बी स्टार्ट बिकॉज एज ए एक्ट्रेस बहुत टाइम हो गया काम करते हुए इंडस्ट्री में। अब चाह रही थी कि एक प्रोडक्शन हाउस ऑन कर लिया जाए, जैसे हम लोगों के लिए काम करते हैं हम अपने लिए खुद क्यों ना काम करें, तो ये आइडिया था। और हम बहुत टाइम से एग्जीक्यूट कर रहे थे इन सब चीज़ों को, फाइनली वो चीज़ जो है रेडी हो गई और हम लोग अभी एजी और कंठा के साथ रेडी हैं और आज उस एल्बम का शूट कर रहे हैं हम मठ में। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत बड़ा एल्बम है, आई थिंक लोग बहुत एक्साइटेड होंगे जब ये गाना सुनेंगे। बहुत फन, बहुत ही अलग फील है, पार्टिंग है, मतलब एकदम डिस्को वाला सॉन्ग है ये। ओके, आप दोनों में कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप दोनों के दोनों इंटीमेट सीन वैसे कोई इंटीमेट सीन नहीं है, बट यस इट्स अ रोमांटिक सॉर्ट ऑफ सॉन्ग, तो जो रोमांस है वो ऑफकोर्स ऑफ स्क्रीन तो है ही, बट ज़रूरी नहीं है जो ऑफ स्क्रीन अच्छे कपल हो ऑन स्क्रीन भी उतना ही केमिस्ट्री उनकी दिखे। बट यस हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है और सुबह जो सीन्स हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, बहुत ही ड्रीमी ड्रीमी सीन्स हैं। और मैं आती हूँ, मैंने वाइट कलर का बहुत बड़ा गाउन पहना है और आके उनके से क्रॉस होकर चली जाती हूँ, आई टू आई कॉन्टेक्ट है, बहुत मतलब अलग फील है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। यस, केमिस्ट्री कैसी लग रही है, आप इतना एंजॉय कर रही हैं, आशिक बन गया गाने के बोल के वैसे। यस, तेरे फोटो तो ऐसे ही है कि वो फोटो दिखता है और फोटो देखते देखते मैं फोटो से बाहर आ जाती हूँ सडनली, तो उस मूड का गाना है कि वो जिस लड़की को पार्टी में मिला और पार्टी में देखा और एकदम से सडनली कहते हैं ना वो फर्स्ट साइट वाला लव, और रियल में भी करण को ऐसे ही हुआ था, जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उनको मुझसे प्यार हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये रियल लाइफ से बहुत इंस्पायर है गाना और हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं। बिकॉज हम लोगों को ना जैसे किसी नए के साथ जब आप काम करते हो तो हिचक रहता है, आप उसको उसके साथ इतना कम्फर्टेबल नहीं हो पाते हो, बहुत टाइम निकल जाता है उसको समझने में कि वो कैसा ऑन स्क्रीन कैसा रहेगा, हम दोनों की उस मतलब हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री निकल के आएंगे नहीं आएंगे। बट मेरा करण का वी आर लाइक टुगेदर ऑलवेज, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत ग्रैंड इसकी हम लोग लॉन्चिंग करेंगे December 1st week में और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी जो टीम है एजी फिल्म्स के कंठा एंटरटेनमेंट का जो बाकी क्रू एंड कास्ट क्रू है वो बहुत बहुत ही सपोर्टिव है। जैसे कि हमारे कोरियोग्राफर हैं अखिलेश, वो बहुत बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत मेहनती हैं। प्रणव भाई हैं जो पूरे वीडियो को डायरेक्ट कर रहे हैं और मतलब एकदम अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जब बहुत सारी क्रिएटिव दिमाग एक साथ जब मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव चीज़ निकल के आती है। तो आई थिंक ये सॉन्ग वही है कि बहुत पार्टी मस्ती इंजॉय वाला सॉन्ग है। एल्बम का नाम क्या रखा है आपने और कोई लेबल सोचा आपने किसी सीरीज़? देखिए हमने कोशिश की है अपने से कि बहुत अच्छा ग्रैंड बनाने की, हम कोशिश करेंगे कि TCS के साथ हम इसको टैप करें या जी म्यूजिक, दोनों बड़ी कंपनीज हैं, दोनों आपको अच्छा ब्रांडिंग देती है, देखेंगे जिसके साथ हमें हम भी कम्फर्टेबल हों और वो हमारे साथ कम्फर्टेबल हो वो तो आगे की बात है। और बाकी सब तो एल्बम का नाम है तेरी फोटो, मतलब एक्चुअली है तो मेरी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से तेरी फोटो, और सिंगर बहुत अच्छा है बिकॉज सिंगर इज़ न्यू, ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, इज अ न्यू सिंगर, उसका डेब्यू है बॉलीवुड में, रोहित राज आशिक भोपाली उनका टैग लाइन है एंड इज अ फैंटास्टिक सिंगर। जैसे बहुत कम सिंगर्स होते हैं जो रैप करते हैं, ही इज़ द वन ऑफ द सिंगर जो जिसने ये गाना
गाना गाया भी है और रैप भी किया है। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा आज वो क्या रहा है, नो वी कैन सी देयर सो मेनी थिंग हैपनिंग इस एल्बम के बारे में, और एल्बम का नाम क्या, कैसे जन्म हुआ इस एल्बम का? इस एल्बम का जन्म बेसिकली आपने पूछ ही लिया और बता भी दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एक गाना है तेरी फोटो करके, उस बेसिकली उस गाने की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, सिंगल सॉन्ग है जिसे हम लोग रिलीज करने वाले हैं। इस गाने का जन्म अगर देखा जाए तो देश वन सिंगर जो भोपाल से बिलोंग करता है, और उसने काफ़ी गाने यूट्यूब में डाले हुए थे, और मैं जब भोपाल गया हुआ था तो मैंने उसके गाने सुने काफ़ी, मुझे कुछ लोगों ने उससे मिलवाया, और जब मैंने उसे लाइव सुना मैंने कहा यार तो बड़ा अच्छा लिखता है, चल हम लोग के लिए कुछ लिख। तो उसने मुझे और अनारा को लेकर ना एक गाना लिखा, तो जब गाना लिखा तो मुझे बड़ा ये था, क्यूरियोसिटी थी अंदर की यार इसको अनारा को सुनाया जाए, ऐसे कुछ ना कुछ अनारा के साथ ही ना करना चाहिए हिंदी में। तो मैंने अनारा को बुलाने का करण लेट्स डू दिस। इसके पहले हम वैसे एक और गाना कर रहे थे सुखविंदर सिंह जी का, बट हमने पहला अब इसको किया, तो ये उस चीज़ की शूटिंग हो रही है, अनारा और मेरे बीच में ये चीज़ जन्मी है, और बहुत ही खूबसूरती से आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत लग रही है, सुबह से लगे हुए हैं यार। ओके, तेरी फोटो और दूसरा अनारा ने कहीं बताया 15 नवंबर बहुत यादगार डे बोल रही थी जी, तो क्या एक सेलिब्रेशन है इस एल्बम के माध्यम? आप कह सकते हैं हम लोग को 3 साल हो रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशन है, और 15 नवंबर इसीलिए है। अनारा का जो प्रोडक्शन हाउस है AG, वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है एज अ प्रोड्यूसर, अनारा एज अ प्रोड्यूसर इस एल्बम में फर्स्ट टाइम है, मैं भी हूँ, और साथ में सबसे बड़ा दिन ये भी है कि हम पहली बार एज अ कपल स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि हम लोग की जो केमिस्ट्री है वो हम लोग दिखाना चाहते थे कुछ ना कुछ करके, कुछ ऐसा करना चाहते थे कि यू नो पब्लिक तक वो मैसेज जाए, पब्लिक तक हम पहुँचे, तो हमने सोचा क्यों ना एक सिंगल किया जाए और पब्लिक तक बताई जाए कि हम क्या क्या चीज़ें साथ में कर सकते हैं। यार गाने तो हिंदी ही होते हैं, बेसिकली अनारा एक भोजपुरी की सुपरस्टार है, अनारा को देखा जाए तो, और मैं हिंदी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जब हम मिले थे तो हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि हम लोग हिंदी में कुछ करें, मैं भी चाह रहा था अनारा को थोड़ा सा हिंदी के साइड रुख मोड़ा जाए, तो मैंने कहा चलो हिंदी गाना करते हैं, और इस चीज़ से हम हिंदी में एंट्री करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू हम लोग के बहुत सारे चीज़ें चल रही है, जैसे ये गाना होगा 24, 25, 26 अगेन वी आर शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज 3 डेज, ठीक है, आफ्टर दैट ऑन द 10th of December वी आर शूटिंग रगड़ पेल का गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया, सुखी ने गाया है, उसमें भी मैं और अनारा फीचरिंग है। फिर सडनली उसके बाद December 20th को हम लोग अगेन फर्स्ट टाइम मैं और अनारा ऐसी माइथो वेब सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक माइथो वेब सीरीज नहीं आई है बड़े लेवल की, तो हम उसका बजट ही बहुत बड़े लेवल का, तो अगेन हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं। आसान है, बट मुझे लगता है जिनको आप ज़्यादा जानते हो लाइक शी इज़ माई पार्टनर, सो शर्म भी आती है, आँखों में देख के हंसी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं किया, एक प्रोफेशनली काम करना, लाइक इफ़ आई एम वर्किंग विथ यू आई कैन वर्क विथ यू, बट इफ आई एम वर्किंग विथ माई गर्लफ्रेंड शी इज़ अ स्टार मैन, शी इज सीन मोर देन, शी हैज़ डन मोर देन 40 films एज एन एक्ट्रेस, सो मैं उसका जूनियर हूँ, और जब वो मुझे अभी एक सीन था जिसमें वो कहते चल निकल यहाँ से मैं तुझे मारूंगी या नॉल, सो हम लोग को वो सीन लेने में बड़ी दिक्कत हुई साथ में, बट यस कंफर्ट जोन भी है, शर्म भी आती है, मस्ती भी होती है, बट जो चीज़ निकल के आती है ना वो अपनों में ही आती है। ओके, ये कितना ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए कितना सरप्राइजिंग होगा आप दोनों को ऑन स्क्रीन, और हाउ मच यू एंजॉयड इट? एग्जैक्टली अनारा और मेरे फैंस जो है बहुत बार हम लोग को ना इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेजेस आए हुए हैं, हम लोग काफ़ी बार आए हैं कि आप लोग कुछ कब कर रहे हो साथ में, कुछ अच्छी चीज़ें करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ न्यू करो। सो जब हम लोगों ने इस चीज़ के लिए, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि अनारा ने इंस्टा पे डाला था कि 15 नवंबर इज़ वेरी स्पेशल एंड वी आर डूइंग समथिंग, एक स्टोरी डाली थी, आई थिंक हम लोग को मोर देन 300 रिप्लाइज आए उस चीज़ पे, सो हमारे फैंस इतने ज़्यादा यू नो एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए, इवन वी आर एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग वो जो हमारी फैन वाली फैमिली है उसके साथ नए प्रोजेक्ट के साथ जब हम मिलेंगे आई डोंट नो कितना प्यार मिलने वाला है। Exactly. Frankly, अभी तो बहुत सारे गोल्स हैं, बट यस वी आर टुगेदर एंड आई डोंट नो वेयर लाइफ इज गोइंग, बट यस हम लोग जब तक साथ में हैं तब तक साथ में है जिंदगी भर। शादी का अनारा ने मुझे सीधा कहा कि 3 साल के बाद हम लोग
शादी करेंगे। तो हम लोग अब 3 साल की तैयारियां कर रहे हैं कि 3 साल हम लोग बहुत सारा काम कर लें, फिर शादी जब करेंगे तो हमारे जो फैंस हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारी शादी भी यादगार हो। तो एग्जैक्टली जो 3 साल बाद की शादी की हमारी तैयारी है वो हम अभी से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक। पहली बात तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है, गाना बहुत अच्छा है जो हमारे रोहित ने गाया है, भोपाली, आशिक भोपाली, और ट्रेनर भाई हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, इन्होंने मुझे बोला कि गाना है करना है, तो मुझे अच्छा लगे, लोग अच्छे लगे, सेटअप अच्छा लगा, स्पेशली अनारा मैं पहले भी काम कर चुका हूँ उनके साथ, और करण भाई के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन वेरी कोऑपरेटिव, और जिस हिसाब से शूट चल रहा है मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा गाना शूट होगा। इस गाने की खास बात यह है कि दोनों एक्चुअल में रियल लाइफ में कपल हैं, और जब रियल लाइफ कपल ऑन स्क्रीन आते हैं तो केमिस्ट्री ना बहुत ही कमाल की होती है, और यकीन मानिए ये गाना एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री के साथ आ रहा है, इसलिए नहीं कि हम इसका हिस्सा हैं, जस्ट बिकॉज कि वो केमिस्ट्री कमाल है और हम इसका हिस्सा हैं ये और भी कमाल होते जा रहा है। करेक्ट, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बहुत अच्छा गाना बने और सुपर डुपर हिट हो। ओके, कितना आसान होता है डायरेक्टर के लिए जब, और कितना, और क्या आप मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एल्बम को, इस पूरे वीडियो को, क्योंकि एक यू नो रियल लाइफ कपल ऑन स्क्रीन आ रहे हैं और दे आर वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ वेदर, यू नो हर लिहाज से वो फेमस ही है। बात जब गाने की हो तो डायरेक्शन की बात बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि पूरा दारोमदार जो है कोरियोग्राफी मार जाता है, और चूंकि हम दोनों की भी अपनी जोड़ी पिछले 10-12 साल की है डायरेक्टर और कोरियोग्राफर की, तो ये और इजी हो गया, ये और आसान हो गया, बल्कि ऐसा लग रहा है हम शूटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना बस घर का एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और गाना भी कमाल का है, रोहित भोपाली ने गाया है, बस इंतजार कीजिए, एक बहुत ही जबरदस्त गाने के साथ आ रहे हैं हम दोनों। ओके, पर ना वो क्या स्टोरी लाइन है, मतलब अगर हम स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें, क्योंकि एक गाने में पूरी कहानी चल, बिल्कुल बिल्कुल, एक रॉडी टाइप का लड़का है, एक प्यारी सी लड़की है, दोनों में प्यार हो जाता है, और हमारे जो है रोहित भोपाली कैसे वो अपने रैपिंग पे एक सूत्रधार के तौर पे आते हैं और दोनों की बातों को रखते हैं, एक रोमांटिक सा गाना है, लेकिन पार्टी सॉन्ग, इट्स अ क्लब सॉन्ग, इट्स अ क्लब सॉन्ग, इट्स अ क्लब सॉन्ग, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। एक कोरियोग्राफर के लिए कितना मुश्किल और आसान होता है सब चीज़ों को मर्ज करना कि वो जस्टिफाई हो? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, जाहिर सी बात है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, गाना लिखना पड़ता है, उसकी स्टोरी सोचनी पड़ती है, शॉर्ट डिवीजन करना पड़ता है, फिर आर्टिस्ट को नचाना, क्राउड प्लस डांसर, तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम उसी मुश्किल काम को पूरी शिद्दत से करेंगे, वही कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। रोहित, वहाँ पहुँचे उसके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ती है, लोग बहुत बम्बई शहर का रुख करते हैं, इंडियन आइडल जाते हैं और रियलिटी शो का हिस्सा बनते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में। जी देखिए, मशक्कत का तो ऐसा है कि मशक्कत तो करनी ही पड़ती है, हमें कहीं पर भी पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक माइलस्टोन है मेरी लाइफ का, यहाँ से जो है एक नया बाउंस होना है मेरे करियर में, और
काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। कंठा एंटरटेनमेंट्स एंड एजी प्रोडक्शंस ने जिस तरह से उसे डिज़ाइन किया है वो बहुत ग्रैंड है और बहुत लाजवाब है। ओके, जानना चाहूँगा कैसे आप इस एल्बम का हिस्सा बने? जी वो यूँ हुआ कि मैं कुछ भोपाली सॉन्ग्स बनाता था, आशिक भोपाली करके मेरा टैग हुआ करता है, तो वो सॉन्ग्स मैं करता रहा, फिर अचानक से यूँ हुआ कि करण भैया ने सुना कि सॉन्ग आशिक भोपाली करके है ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी बात हुई, फिर उसके बाद हमने, अब हमारा एक अच्छा रिलेशन है और एक अच्छा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। कितना लकी मानते हैं आप अपने अपने आप को कि करण का और ऑलरेडी ऑफ स्क्रीन भी कपल है, पहली बार ऑन स्क्रीन आ रहे हैं और दैट टू आपके गाने पे? जी जी, बहुत ज़्यादा लकी बात है ये, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और यूँ कहूँगा कि हाँ, 3-4 साल से मैं तो वेट कर रहा था कि हाँ मुझे कोई ऐसा मौका मिले, तो ऊपर वाले का करम कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा। इस गाने की हर रात तकिए के नीचे फोटो तेरी रखूं, मैं मजा तेरे रूप का ख्वाबों में भी चखूं, देख तेरी मुस्कान रे पगली होती दिल को राह, तू रहे मेरे रूबरू है जरा सी चाहत, छुप छुप के दुनिया से तेरा नाम जप रहे तेरी।